सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की टीम ने एक तरफा प्यार में पागल एक ऐसे सिरफिरे फरार आशिक को दबोचा है जिसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक 16 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या की साजिश महज इसलिए रच डाली कि उस छात्रा ने आरोपी को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर बात करना बंद कर दिया था। मगर छात्रा की किस्मत अच्छी थी कि वो गोली लगने के बावजूद बच गई। पीड़ित स्कूली छात्रा पिछले 2 साल से आरोपी अरमान अली को सोशल मीडिया के माध्यम से जानती थी, लेकिन पिछले करीब 5 महीनों से पीड़ित छात्रा आरोपी अरमान अली से बात नहीं कर रही थी। तभी से आरोपी ने पीड़िता का पीछा करना शुरू कर दिया था। आरोपी के दोनों साथी बॉबी और पवन उर्फ सुमित पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों की पहचान संगम विहारी ब्लॉक निवासी 19 वर्षीय अमानत अली, संगम विहार के ब्लॉक निवासी 24 वर्षीय बॉबी व संगम विहार एच ब्लॉक निवासी 19 वर्षीय पवन उर्फ सुमित के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 2 देशी कट्टे, 3 कारतूस व 1 खोखा बरामद किया गया है। साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2022 दोपहर लगभग 3:47 के आसपास संगम विहार इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की को गोली लगने की सूचना तिगरी पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। कॉल मिलते ही तिगरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस ने देखा कि एक लड़की के कंधे पर गोली लगी हुई है। पुलिस ने तुरंत लड़की को इलाज के लिए बत्रा अस्पताल भेज दिया। FSL टीम ने क्राइम सीन की जांच तो घटना स्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया। पीड़ित लड़की के बयान पर थाना तिगरी में FIR संख्या 337/2022 धारा 307/34 IPC व 27/54/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए साउथ डिस्ट्रिक्ट DCP बेनिता मेरी जैकर ने सुंदर राम ACP संगम विहार की सुपरविजन में 2 टीमों का गठन किया। पहली टीम अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली के नेतृत्व में SI धर्मेंद्र, ASI जुगनू, मनोज जोगिंदर, हेड कांस्टेबल संदीप, पुष्पेंद्र कांस्टेबल, अखिलेश संदीप, अशोक व महिला कांस्टेबल लक्ष्मी की बनाई। दूसरी टीम रजनीश SHO तिगरी के नेतृत्व में सुमित देसवाल इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, इंस्पेक्टर दीपक दहिया, SI राकेश, हेड कांस्टेबल पवन, संदीप, जितेंद्र व निरंजन की बनाई। छानबीन में पुलिस टीम ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली तो पुलिस को 3 आरोपित पीड़िता का पीछा करते दिखाई दिए। पीड़ित छात्रा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो हमलावरों में शामिल एक आरोपी अमानत अली को जानती है। CCTV कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था कि पीड़ित छात्रा अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जा रही है, वहीं आरोपी अमानत अली पीड़ित छात्रा का पीछा करता चल रहा है। आरोपी के दोनों दोस्त भी लड़की का पीछा करते CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे थे। जब पीड़ित छात्रा संगम विहार के बी ब्लॉक पहुंची तो पीछा कर रहे आरोपितों में से एक ने पीछे से पीड़िता पर तमंचे से फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद सभी आरोपी एक एक करके पैदल ही भागते हुए CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। अमानत अली के बारे में जांच टीमों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी संगम विहार ई ब्लॉक में रहता है। आरोपी के घर पर छापेमारी की गई तो आरोपी के घर पर ताला लगा मिला। आरोपी के परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं मिला। जांच टीमों को लगा कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने परिवार के साथ फरार हो गया है, लेकिन जांच टीमों ने आरोपी के परिवार के लोगों के मोबाइल नंबरों का पता लगाकर कॉल की तो परिवार के लोगों ने बताया कि उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, इसलिए पूरे परिवार के साथ बीसा में शामिल होने आए हैं। आरोपी के परिवार की बातचीत से टीम को यह तो लग गया था कि वो लोग इस क्राइम में शामिल नहीं है, लेकिन आरोपी मुस्लिम और पीड़िता हिंदू होने की वजह से कुछ लोग इलाके में लव जिहाद का रंग देकर हंगामा करने लगे। हंगामे की वजह से आरोपी के परिवार के लोग डर के कारण वापस अपने घर नहीं लौटे, लेकिन आरोपी अमानत अली को खोजने में पुलिस का पूरा सहयोग करने लगे। तीनों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके से आ रही थी। एक टीम तुरंत मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुई, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती आरोपित अपने अपने मोबाइल ऑफ करके वहां से भी फरार हो गए। मुजफ्फरनगर में आरोपी नहीं मिले, टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। दिनांक 26 अगस्त को एक आरोपी का मोबाइल ऑन हुआ। मोबाइल लोकेशन हमदर्द के पास मिली। टीम ने तुरंत हमदर्द के आसपास लगे सभी कैमरे खंगाले तो क्राइम में शामिल एक लड़का देखा गया जिसकी पहचान बॉबी के रूप में हुई। टीम ने आरोपी की लोकेशन का पीछा करके के ब्लॉक संगम विहार में बॉबी को दबोच लिया। आरोपी बॉबी की निशानदेही पर दूसरे आरोपी पवन उर्फ को भी उसी दिन संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, लेकिन वारदात का मास्टरमाइंड अरमान अली अभी तक फरार था। अरमान अली की गिरफ्तारी न होने के कारण काफी हिंदू संगठन हंगामा कर रहे थे, जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा था।
फरार आरोपी अरमान अली को दबोचने के लिए अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण की टीम ने दिन रात एक कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हिंदू संगठनों में रोष बढ़ता जा रहा था। बात संगम विहार इलाके से निकलकर दूर तक फैलने लगी। मीडिया हर रोज पुलिस पर सवाल उठाने लगा। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने आरोपी अरमान अली को दबोचने के लिए मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। साथ ही आरोपी के सभी सस्पेक्ट ठिकानों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मेरठ में छापेमारी की। लगभग 700 किलोमीटर तक गाड़ी को दौड़ाया। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। लेकिन आरोपी इतना शातिर था कि किसी भी जगह पर थोड़ी देर से ज्यादा नहीं रुक रहा था। 31 अगस्त को आरोपी ने अपने एक दोस्त से संपर्क किया और त्रिलोकपुरी में मिलने को कहा। स्पेशल स्टाफ की टीम ने आरोपी के सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के मोबाइल सर्विलांस पर लगा रखे थे। आरोपी के त्रिलोकपुरी आने की खबर से टीम एक्टिव हो गई और आते ही आरोपी को दबोच लिया। आरोपी अमानत ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात छात्रा से हुई थी। दोनों सोशल मीडिया पर बात करते थे। कुछ दिन पहले छात्रा ने आरोपी अमानत अली से बात करना बंद कर दिया था। इस बात पर आरोपी ने छात्रा की हत्या करने की साजिश रच ली। आरोपी ने आगे बताया कि उसके ताऊ की डेथ हो चुकी है, पूरा परिवार उनके बिसा में गया था। मुझे यह मौका अच्छा लगा और दोस्ती के नाते बॉबी व पवन उर्फ सुमित को अपने प्लान में शामिल कर नाबालिग को गोली मारकर हत्या करने की योजना बनाई। वारदात से एक दिन पहले आरोपी ने बॉबी को अपने घर पर सुलाया था। घटना वाले दिन छात्रा के स्कूल से लौटते समय उसका पीछा किया और जब वो संगम विहार के बी ब्लॉक में पहुंची तो आरोपी बॉबी ने उस पर गोली चला दी। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आरोपी ने बताया कि वो पीड़िता को जान से मारना चाहते थे लेकिन निशाना चूक गया। वारदात का मास्टरमाइंड संगम विहार ई ब्लॉक निवासी 19 वर्षीय अमानत अली उर्फ अली पुत्र इनायत अली, मूल रूप से गांव मवाना, तेलई मोहल्ला, मेरठ का रहने वाला है। आरोपी के पिता रेड़ी पर कपड़े बेचते हैं। दूसरा आरोपी के ब्लॉक संगम विहार निवासी 24 वर्षीय बॉबी पुत्र बांके लाल नशे का आदी है। इसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तीसरा आरोपी एच ब्लॉक संगम विहार निवासी 19 वर्षीय पवन उर्फ सुमित पुत्र स्वग्रीय ब्रह्मचारी भी नशे का आदी है और इसने भी बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।